हिमाचल की विपक्ष पार्टी चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। कभी निचला हिमाचल, कभी ऊपरा हिमाचल, तो कभी जाति को लेकर बांटने का प्रयास किया जाता है। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने डलहौजी में 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक जनसभा में कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के डलहौजी के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन वीरभद्र सिंह ने करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। सबसे पहले उन्होंने डलहौजी के नागरिक अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया, जिस पर लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पेयजल योजना पनीखेत बकोता धारल उगराल के शिलान्यास किए, जिसमें 80 लाख रुपए खर्च होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल की विपक्ष पार्टी चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। कभी निचला हिमाचल और कभी ऊपरा वाला हिमाचल, कभी जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करती है। जब भी इलेक्शन शुरू होता है हिमाचल में, तो जो क्या पहले जनसंघ था, आज भाजपा, शुरुआत कैसे करते क्षेत्रवाद से, कहेंगे निचला हिमाचल, बीच का हिमाचल, ऊपर का हिमाचल, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, और अगर ये भी तीर न चले तो ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये हरिजन, ये पुराना, ये पुराना, जात पात इलाका बात को चलाते हैं, ताकि कुछ न कुछ वोटों किसी न किसी वजह से उनको मिल ही जाए। जो ऐसा करते हैं वो, मैं कहता हूँ, प्रदेश द्रोही है और देश द्रोही है। जो वोट की खातिर लोगों को पहुंचने की कोशिश करते हैं, नीचे और ऊपर की बात करते हैं, धर्म और जाति की बात करते हैं, वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। वो समझते कुछ ना कुछ चाल चलाकर उनको भी कुछ वोट हासिल हो जाए। गौरतलब है कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार डलहौजी का अस्पताल शिमला के IGMC के बाद यह हिमाचल का दूसरा वातानुकूलित अस्पताल है। बता दें कि जब तापमान -डिग्री में चला जाता है तो अक्सर आम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ठंड का प्रकोप सहना पड़ता है, परंतु अब इस अस्पताल में मरीजों को -डिग्री के तापमान में भी ठंड से निजात मिल पाएगी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।